फिर थाना बारह मौजूद हूँ और मेरे साथ अभी दीपा हल्ला बोल के लोग मौजूद हैं। मैं उन लोगों से जानना चाहूँगा कि ऐसे भी छात्र जो है वो क्या उनकी बिजनेस हो रही है, क्या अंदर खाने में हो रहा है और बाकी तमाम चीज़ें क्योंकि ये लोग उन लोगों का साथ दे रहे हैं ताकि उन लोगों को ज्वाइनिंग हो। उससे पहले सर मैं आपको परिचय करूँ और मेरा नाम प्रशांत कमल है, मैं दीपा हल्ला बोल का जो है और आप जैसे जानते हैं कि ये 2018 से मामला चल रहा है, ये लगातार अलग अलग बार कई बार और हर बार इनको जो है कुछ भी जुड़ा दिया जाए बिजनेस पर अभी मैंने ये कभी काफ़ी लोगों की बात की है मछली को मिलने वाले तो क्या वो मीटिंग हो पाई आप लोगों की, आप सब लोग क्या पाए वहाँ मीटिंग हुई या क्या करें? नहीं, जब 27 तारीख को हम लोग बैठे थे यहाँ पे बड़ौदा हाउस पर और वहाँ पे सीनियर पुलिस ऑफिसर जो थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि 16 अगस्त को जो है गृह मंत्रालय के सीनियर ऑफिसर से आप लोगों से बात करेंगे और इसका जो है फिर लिखित परमिशन के लिए भी हमने उस समय दे दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लोगों को अगर हम बात नहीं करवाएंगे तो आप लोगों को प्रदर्शन करने की जो है अनुमति दी। इसके बाद जब हम लोगों ने पूरा बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जगह कहीं गुरुद्वारे में ठहरा हुआ है, कोई किसान ठहरा हुआ है, वहाँ पर ठहरे हुए हैं, अलग अलग जो जगह पे लोग कई लोग प्लेटफॉर्म पे रह रहे हैं और उन्होंने इतना दिन बिताया यहाँ पे सिर्फ 16 तारीख का इंतजार करें और जब 16 तारीख को पार्लियामेंट हाले में आए तो आधा आधा घंटा करके इनको जो है अगर बैठा तो इन लोगों को मजबूर होकर जो है हम लोगों को कहे कि अब क्या करना चाहिए। हमने कहा ठीक है, उन्होंने खुद कहा था जब परमिशन ले तो फिर ये जब आज सुबह यहाँ पर आए हैं तो उनको जो है मारपीट कर रोका दिया गया, ना महिला को समझा गया ना पुरुष को और आप लोग भी जो देख रहे हैं जी जी वो बहुत दर्दनाक है। हाँ, कई लोगों को गंभीर चोट आई है, कई लोग जो है आरम्भ में है जो है दोनों शिक्षकों को चाहते हैं महिला कर्मी जो कि जो क्यों आप के मामले 2018 से 2021 का चुनाव भी चल रहा है, क्या लगता है कि आपको इस बीच में इस मामले को सुना जाएगा? जी देखिए, जिस तरह से इस सरकार का रवैया है मुझे तो नहीं लग रहा है ये सुनने के लिए, लेकिन एक बात तय है कि अगर ये सुनने के मूड में नहीं है तो हम भी यहाँ से आगे एकदम स्पष्ट है क्योंकि अगर ये तो ये जब सीनियर ऑफिसर्स के जो है आईपीएस ऑफिसर्स के प्रॉमिस पे जब ये अपने बात से पीछे निकल जाए हमारे पास क्या रास्ता बनता है ये और